लास्ट सल्यूट मेरा सबसे फेवरेट प्ले है हमारा, ये हमने 10 साल पहले नहीं 12 साल पहले ऑलमोस्ट किया था, और ये आज इसकी अंदरूनी जो उसकी सच्चाई है उसके बल पे यहाँ तक पहुँचा है। आज मुंबई में हम यहाँ पर खिड़कियाँ का जो फेस्टिवल थिएटर का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहाँ पर इस प्ले को लाने का मतलब यही है कि जो बातें हम पॉपुलर माध्यम से नहीं कह पाते हैं टेलीविज़न या सिनेमा के द्वारा, वो हम थिएटर के मंच से कहते हैं। और अरविंद गौर जी जो हैं हमारे जो एक पीपल्स थिएटर से जुड़े हुए हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, उनकी यूनिक स्ट्रेंथ ये है कि वो रैंक न्यू कमर्स के साथ में ऐसे जज्बातों को पेश करते हैं और उसमें एक मासूमियत होती है। तो मैं जब भी अवसर मिलता है हम इस प्ले को लेके जाते हैं और इस प्ले की रूह को हम सलाम करते हैं। देखिए, आज के दौर में जहाँ पर एंटरटेनमेंट क्षेत्र में इतनी तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारी जड़ें कहीं पर थिएटर से जुड़ी हुई हैं, और थिएटर के ज़रिए हम अपने कलाकारों के अंदर वो एक डिसिप्लिन ला पाते हैं जो शायद मेन स्ट्रीम सिनेमा में या टेलीविज़न के क्षेत्र में पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद में आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए जितनी कोशिश हो हमारी, हमें अपने नौजवानों को थिएटर के रास्ते से ही मेन स्ट्रीम सिनेमा या टेलीविज़न के क्षेत्र में जाना चाहिए। नहीं, मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान नौजवान मुल्क है और ये अपने आप में एक सबूत है यहाँ की पॉपुलैरिटी। इतने लोग यहाँ पर आएँ कि वो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, टेलीविज़न हो, सिनेमा हो, डिजिटल कंटेंट हो, थिएटर हो, हर किस्म के प्लेटफॉर्म से हम अपनी बात पेश कर सकते हैं, और ये एज ऑफ एंटरटेनमेंट इसलिए से कहते हैं। मैं तो चाहता हूँ यार ये फेस्टिवल हर साल दो बार होता है, हर साल चार बार हो, और जितने लोग नाटक कर सकते हैं अपने घरों में नाटक करें, मैं सबके नाटक को यहाँ पर लाना चाहता हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग ऐसी चीज़ों को कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, मैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हूँ और करते रहना चाहिए। जी, मैं भी, मेरा शुरुआत भी नाटक से हुआ था, और नाटक आई थिंक ये जो नाटक है ना वो आपको डिसिप्लिन सिखाता है पहले, और ये हमारे इंडस्ट्री में किसी भी फील्ड में या सिनेमा हो या थिएटर हो, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते लोग। बहुत लोग आते हैं, कॉन्कर करते हैं और फुस गायब हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इनडिसिप्लिन। मेंटेन करना वो थिएटर सिखाती है हम लोगों को, तो थिएटर थ्रू थिएटर एक आर्टिस्ट को जाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं थिएटर का शौकीन हूँ, इसलिए आया हूँ।